आज कुछ नया बनाते हैं दोस्तों। हमने एग को बहुत बार उबाल कर खाया होगा, ब्रेकफास्ट में खाया होगा, लंच में खाया होगा, मगर इस तरह से रेसिपी को नहीं बनाया होगा दोस्तों। आइए आज बनाएंगे हम मसाला एग करी की रेसिपी, जो यूनिक भी है और टेस्ट भी है दोस्तों। आइए देख लेते हैं इनके लिए इंग्रेडिएंट कौन कौन से चाहिए। हेलो यूट्यूब के दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। नवजोत होम शेफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए आया दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम बनाएंगे मसाला एग की रेसिपी दोस्तों। आपने एग करी की रेसिपी खाई होगी दोस्तों, और भी कई तरह के एग की रेसिपी खाई होगी, पर एक बार मेरे तरीके से मसाला एग की रेसिपी बनाकर देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप राइस के साथ खा सकते हैं या पराठे के साथ, जिससे भी आप खाना चाहे उससे ही आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए उसके लिए हम रेसिपी इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दोस्तों एग, जिसे हमने फ्राई करके रख लिया। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट, जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर रख लिया दोस्तों। हमने इसमें प्याज नहीं डाला, टमाटर डाला दोस्तों। अगर आपने इसमें प्याज डाल दिया तो आपकी जो रेसिपी है वो मिठास में बन जाएगी। इसके लिए आपने इसमें प्याज नहीं डालना दोस्तों, टमाटर ही डालिएगा। और हमें चाहिए मूंगफली का पेस्ट, 1 टीस्पून हमें चाहिए धनिया का पेस्ट। आपने इसमें धनिया का पेस्ट जरूर डालिएगा दोस्तों, असली टेस्ट धनिया के पेस्ट से ही आएगा, इसलिए इसे आप स्किप मत कीजिएगा। और थोड़े से गार्निशिंग करने के लिए हमें चाहिए धनिया पत्ते, थोड़ा सा हम लेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर। आइए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये दोस्तों अब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे, जो अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट था। आइए दोस्तों अब हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक स्वाद अनुसार। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे दोस्तों। आप जितना खाते उतना नमक मिर्ची डालिए, अगर आप कम खाते तो कम डालिए, अगर आप ज्यादा खाते तो ज्यादा डालिए दोस्तों। 1 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला और धनिया पाउडर, दोनों को हमने मिक्स कर लिया, आधा आधा टीस्पून। लीजिए दोस्तों अब डालेंगे हम मूंगफली का पेस्ट। आइए अब डालेंगे हम धनिया का पेस्ट, इसे आपने जरूर डालना दोस्तों, इसे आपने स्किप नहीं करना, इससे ही आपका टेस्ट आएगा रेसिपी में। ये लीजिए दोस्तों हमारा मसाला अच्छी तरह से भूनकर तैयार है। आपने मसाला धीमी आंच पर ही पकाना दोस्तों, इससे आपका मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा और खुशबूदार मसाला पककर तैयार होगा। आइए दोस्तों अब हम इसमें एग को डालेंगे। आपने एग में चीरा लगा लेना दोस्तों, आपने इस तरह से एग ले लेना दोस्तों, इसके ऊपर आपने चाकू से इस तरह से चीरा लगा देना। आप चाहे तो 2 लगा सकते हैं, नहीं तो 3 तक। चीरा लगाने के बाद आपने एग को डालना, इससे जो मसाला होगा वो एग में जाएगा और एग अच्छी तरह से पकेगा। लीजिए दोस्तों हमारी एग की रेसिपी तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार किया दोस्तों। आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है, कितनी हेल्पफुल है दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों हमारे मसाला एग की रेसिपी। अब हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए से। लीजिए दोस्तों मसाला एग करी की रेसिपी, आप भी अपने घर पर बनाइए और
एंजॉय कीजिए। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नवजोत होम शेफ चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारी रेसिपीज को एंजॉय कीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार देते रहिए दोस्तों। आने वाले दिनों में हम आपके लिए